कैश नहीं उठाने पर दबंगों द्वारा अंजाम भुगतने का दिया जा रहा है धमकी। नवादा से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। गोविंदपुरम नवादा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलाहरना गांव में एक पीड़ित परिवार को गांव के ही दबंग व्यक्तियों द्वारा कैश नहीं उठाने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी कि मामला प्रकाश में आया है, जहां बेलाहरना गांव निवासी पीड़ित रेणुका देवी ने बताया कि 21 मई को हमारे ससुर रामेश्वर यादव को गांव के ही दबंग लोग पप्पू यादव, गया यादव, प्रदीप यादव, बल्लू यादव ने लाठी डंडे से पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया, एक पैर भी तोड़ दिया, जिसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है और फिर भी नहीं पा रहा, जिसको लेकर थाने में प्राथमिक दर्जी कराई गई है। थाने के दर्ज केस उठाने के लिए पप्पू यादव तथा उनके सहयोगी द्वारा बराबर धमकी दिया जा रहे हैं। साथ ही पीड़ित रेणु देवी ने बताया कि गांव के ही पप्पू यादव, बल्लू यादव, प्रदीप यादव तथा उनके कई सहयोगियों द्वारा 5 दिन से लगातार घर पर आकर भरी भरी गालियाँ गलोच करते हुए कैश उठाने की धमकी दी जा रही है। कैश नहीं उठाने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। बताया है कि साथ ही उन्होंने पुलिस द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जाने के बाद इसके साथ ही महिला ने SP को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाने की बात कही है। इक्कीस तारीख के लड़ाई हुआ है, पिंटू बाबू पटक दिया है, अब प्रदीप लाठी पहना से मारा है। किसको मारा? वो ससुर के। क्या नाम है? रमेश्वर माथो। क्या हुआ उनको मारा? गोड़ टूट गया है पहले। अब आपके साथ क्या हो रहा है? आपके कोठा पर चढ़ के गाली देता है पिंटू आती पप्पू बाबू की, गोड़ तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे केस उठाने के लिए। तो वह सोची आओ, गाली गलौज करता है। थाना आप लोग केस किए? हाँ, थाना केस किए हैं। तो क्या हुआ? हाँ। केस किए तो क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। तो ये जो गाली गलौज धमकी कर देता है, इसका फिर सूचना दिए हैं? नहीं, सूचना तो दिए किए हैं। सूचना दिए हैं? तो फिर क्या बोले? कोई कार्रवाई के लिए कुछ बोले हैं? नहीं, कहाँ बोले, कोई कार्रवाई नहीं। आपका क्या नाम है? रेणु देवी। रेणु देवी जो घायल है वो आपका ससुर? हाँ। घर कहाँ हुआ? अरना वैली।